So good evening everyone. The meeting is being recorded. Please mark your attendance and let me know whether my voice is clear to everyone. Few part of your syllabus, okay. And in today's class, we are going to cover all the remaining topics. So these are the today's topics. What we are going to cover: synonyms and antonyms, phrases, figure of speech, clauses, use of correct verb form, direct indirect speech, active and passive voice, prefix, suffix, as soon as, no sooner than, not only but also, transformation of the sentences, correct spellings and alphabetical order. Okay, so all the remaining topics we are covering over here. Okay, so let's start one by one. As in previous lecture, जैसे मैंने पिछले क्लास में आप सबको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया था अलग अलग टॉपिक्स पे, बट यहाँ पे जो ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, दोज ऑल आर वेरी सिंपल टॉपिक्स. ओके, बहुत ही इजी टॉपिक्स है. तो व्हाट वी आर डूइंग के मैंने डायरेक्टली आपका जो फॉर्मेट है एमसीक्यू का, क्वेश्चन और चार ऑप्शन, वही फॉर्मेट लिया हुआ है और डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. बीच बीच में जहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि इसके बारे में थोड़ा आपका नॉलेज ब्रशअप करना है, वहां पे मैंने थोड़े स्लाइड्स ऐड किए हैं. अदरवाइज जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है हमारा हर रोज की तरह, वैसे ही चलेगा. ओके, आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स. कोई भी माइक और वीडियो ऑन नहीं करेगा, फाइन. एंड आपको ऑप्शन भी लिखना है अगर छोटा है, लाइक अभी इंग्लिश में हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि जहाँ पे सेंटेंसेस है बहुत बड़े तो वो टाइपिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो जहाँ पे छोटा आंसर है वहां पे आपको टाइप करना है ऑप्शन के साथ, जैसे ए का कुछ होगा, बी का कुछ होगा. लेकिन अगर बड़ा सेंटेंस है तो यू कैन ओनली टाइप द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. प्लीज लेट मी नो अगेन, एम आई ऑडिबल क्लियरली, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है नेटवर्क का. यस यस, थैंक यू सो मच. सो लेट स्टार्ट. I'll check whether I can make it. Yeah, I think now this is very nicely visible, right? So here are the questions. The first question is, I have given a word, fostering. Okay, and what you have to do, you have to find out the correct synonym. Now, what is synonym? Synonym means the same spelling. Okay, उसका meaning आपको find out करना है, same meaning. So now you can start writing your answers, whether it is safeguarding, it is neglecting, ignoring or nurturing. अगर आपको पता है तो प्लीज इसका करेक्ट ऑप्शन लिख दीजिए. What do you mean by fostering? Synonym लिखना है. I will go to your messages on another device and will check. Okay, nobody knows the answer. You must have read these words many times, ठीक है. और अभी ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में आपकी जो इंग्लिश के बुक्स होते हैं उनमें हर एक चैप्टर के पीछे या फिर पोएम के पीछे आपको हार्ड वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उसके ग्लोसरी होता है, वोकैबुलरी होता है. ओके, और उसमें वो मीनिंग्स दिए होते हैं. तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है कि आपके जो भी
लेसन के नीचे या पोएम के नीचे जो भी दिए हुए हैं वर्ड्स उनको लर्न करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लिख सको. फाइन. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज नर्चरिंग. ओके, एंड अन्वय एंड आर्या आर करेक्ट. फॉस्टरिंग मीन्स नर्चरिंग. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. देन द सेकेंड वन वी विल सी व्हाट इज इट. सेकेंड भी आपको सिनोनिम ही लिखना है. आपका वर्ड है प्रोपेल. प्रोपेल का सिनोनिम क्या है? व्हाट मस्ट बी द थिंग? ड्राइव, बर्स्ट, एक्लेमेटाइज या मॉडिफाई? क्या आएगा लिखिए. यस, वेरी गुड वैष्णवी एंड आर्या. प्रोपेल का मीनिंग है ड्राइव. ओके, जैसे आपको प्रोपेलर वगैरह वर्ड आपने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, इसमें रहता है शिप में वगैरह, है ना? तो मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, ड्राइव. ओके, देन नेक्स्ट है, थर्ड है आपका वर्ड मैसिव. मैसिव का आपको करेक्ट सिनोनिम लिखना है, वेदर इट बी स्ट्रॉन्ग, लिटिल, गॉन और ह्यूज. मैसिव मीन्स वॉट? सबसे बड़ा. तो इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा करेक्ट आंसर? यस, इट इज ह्यूज. वेरी नाइस अनुज वैष्णवी एंड आर्या अगेन. वेरी गुड, इट इज आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ह्यूज. तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि रीडिंग जो है दैट इज मस्ट, हमेशा आप वेदर इट इज योर टेक्स्ट बुक और एनीथिंग, लेकिन आपको रीडिंग कंटिन्यू रखना है और वोकैबुलरी इंक्रीज करना है. ठीक है, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट. अभी जैसे सिनोनिम देखा, यहाँ पे एंटोनिम लिखा है. बहुत ही सबसे इजी सवाल पूछा है मैंने, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. ओके, तो फाइंड द एंटोनिम ऑफ बैड, फोर्थ क्वेश्चन. एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड. ओके, तो बैड का अपोजिट आप सबको पता है, फिर भी सिर्फ चार लोगों ने आंसर दिया है, दैट इज गुड. ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेट्स गो फॉर फर्दर. फिफ्थ है आपका, यहाँ पे भी एंटोनिम लिखना है आपको, स्टूपिड. आपका वर्ड है स्टूपिड, तो स्टूपिड के लिए क्या एंटोनिम आएगा? वेदर इट इज फूल, वाइज, लविंग और केयरिंग. यस, वैष्णवी एंड आर्या इज करेक्ट अगेन. अनुज, स्टूपिड मीन्स फूल, तो आपको एंटोनिम लिखना है, सिनोनिम नहीं लिखना है. यस यस, संजना, धीरज, यस, यू ऑल आर करेक्ट. That stupid means buddhu or wise means hoshiyar. Fine. So aapka option B jo hai, that is the correct answer. Okay. Then now let's move forward. Aapko phrases diya jayega aur phrases ke meaning puche jayenge. Okay. So yahan pe abhi next jo hamara topic shuru ho raha hai continuation mein, wo hai phrases. Aur आपका पहला वर्ड है फ्रेजेस में टायरलेस ड्राइविंग. आपको मीनिंग गेस करना है. पहला ऑप्शन है टू ट्रैवल अ लॉट, सेकेंड है रेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, थर्ड है कंटिन्यूअस एफर्ट्स और स्ट्रगल, एंड डी इज इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस. व्हाट इट वुड बी? वेरी गुड, आपने यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आंसर किया है. आर्या, वैष्णवी, अनुज, समृद्धि एंड यश. ओके, सो इट इज कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल. टायरलेस मीन्स कंटिन्यूअस एंड स्ट्राइविंग मीन्स एफर्ट्स. ओके, सो कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स गो फर्दर. नंबर सेवन, द हेड इज हेल्ड हाई. यहाँ पे भी आपको एक फ्रेज दी गई है, द हेड इज हेल्ड हाई. अभी आपको इस फ्रेज का मीनिंग बताना है. ऑप्शन ए इज फियरलेस पर्सन, बी इज सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, सी इज एजुकेशन इज गिवन टू ऑल, एंड डी इज अ पर्सन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पजेसिंग इट. तो अभी बताइए इसका क्या आएगा. आर्या ने लिखा ऑप्शन ए, बाकी लोग ट्राई तो करिए. वैष्णवी डी, दिया डी राइट, धीरज ने लिखा सी. तो आपका जो डी ऑप्शन है
यस, यश का भी करेक्ट है। तो वैष्णवी, दिया, यश, समृद्धि, यू ऑल आर करेक्ट। आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। द हेड इज हेल्ड हाई, ओके, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राउड से, उसी की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जो प्राउड आया है, तो इट इज बीन सेड एज द हेड इज हेल्ड हाई। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, और फिर से बता देती हूँ, जैसे पिछले क्लास में बताया था कि आपको यही, अभी तो आपका सीईटी भी कैंसल हुआ है, बट ये जो जब तक आपके सिलेबस में इंग्लिश रहेगा, आपको ग्रामर करना ही है, ठीक है? आप वेदर, आप अभी ये 11th के जो बच्चे, 11th में जो जाने वाले हैं, बाद में आप इंजीनियरिंग में जाओ या कहीं आप कुछ डिग्री ग्रेजुएशन कर रहे हो, एनीथिंग, आपको इंग्लिश का एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा जब तक आपका जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसमें ग्रामर कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पे आप अभी भी जो भी कर रहे हो, आई एम रियली हैप्पी के सीईटी खत्म, मतलब कैंसल होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, लेट्स गो फर्दर। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आपको क्या आने वाला है, मतलब क्या आ सकता है, अगर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है हमारा, दैट इज स्टार्ट, यहाँ पे आपको एक लाइन दी गई है पोएम की और आपको उसका फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड नेवर माइंड द पास्ट। Start where you stand and never mind the past. क्या आएगा बताइए? चलिए सब लोग ट्राई करिए, बिकॉज अभी तो आपको इसके ऊपर इमीडिएट एग्जाम देना नहीं है, ठीक है? तो जिन लोगों ने इन्वर्जन बोला है, लेट मी टेल यू, आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज सी, एलिटरेशन। एंड व्हाई इट इज एलिटरेशन, बिकॉज क्या होता है एलिटरेशन, कब होता है, व्हेन द साउंड ऑफ अ लेटर इज रिपीटेड। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट और स्टैंड में स्ट, एसटी, ये जो है उसका साउंड रिपीट हुआ है, ओके? तो दैट्स व्हाई ये जो लाइन आपको दी गई है उसका फिगर ऑफ स्पीच होगा एलिटरेशन, ओके? देन द नेक्स्ट वन इज, आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग 10,000 times बिफोर। सबसे इजी है, आप सबको पता है। यस, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी लिखिए। आर्या इज वेरी प्रॉम्प्ट। यस गुड, आर्या एंड समृद्धि, यू बोथ आर करेक्ट। दिस इज यस, वैष्णवी, यश, यस, सब लोग लिख रहे हैं अभी, ओके? हाइपरबोल जो है, या हाइपरबोले बोल सकते हो आप उसको, दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हाई इट इज सो, क्यों है ये करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे एग्जैगरेशन दिखाया गया है। कहाँ पे, कौन से वर्ड में, ये जो यहाँ पे 10,000 times बोला है, ठीक है? आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग 10,000 times बिफोर, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हें 10 बार बोला, 1,000 बार बोला। अभी 10 बार तो ठीक है, कम है, लेकिन 1,000 बार बोला वगैरह, ऐसे हम लोग बोलते बोलते बोल जाते हैं, तुम फिर भी नहीं सुनते हो, लाइक दैट। तो ये जो है एक्चुअली 1,000 time आप बोले होते हो क्या वही चीज, नहीं, तो वो है एग्जैगरेशन, बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, ओके? तो ये इसके लिए, इसका जो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, हाइपर बोले, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो फर्दर, 10th क्वेश्चन है हमारा, हर वेज आर वेज ऑफ जेंटलनेस। हर वेज आर वेज ऑफ जेंटलनेस, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। वेरी नाइस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन इज रिपीटिशन। व्हाई रिपीटिशन, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड्स है वो वर्ड्स रिपीट हुए हैं। व्हाट आर दे, यहाँ पे देखिए, वेज, वेज, ओके? तो वे इज रिपीटेड, वेरी गुड समृद्धि, तो दैट्स व्हाई इट इज रिपीटेशन। और एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। हर हेयर फ्लू लाइक अ काइट इन द हेवनली हाइट्स।
11 नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शन है क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एपिग्राम और सिमिली. व्हाट इज इट? चलिए बाकी लोग भी लिखिए. ये तो सबसे सिंपल है आई थिंक, है ना? फिगर ऑफ स्पीच का सबसे सिंपल ऑप्शन यही है, दैट इज सिमिली. व्हाई इट इज सो? सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन क्या है यहाँ पे? लाइक कंपैरिजन है, ठीक है? और जो लाइक है वो वर्ड आया है तो हेयर को काइट के, मतलब कैसे उड़ रहे हैं, काइट के जैसे उड़ रहे हैं, ऐसे कंपेयर किया गया है, तो इट इज सिमिली. लाइक ध्यान में रखना है, अगर आपके गिवन वर्ड लाइन में लाइक वर्ड है या एज एज लाइक ऐसा लिखा हुआ है तो दैट मस्ट बी सिमिली. वेरी गुड. तो अभी चलते हैं, ये भी बहुत इजी टॉपिक है. सिर्फ शॉर्ट में ब्रशअप करने के लिए मैंने लिखा है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है चेंज द वॉइस में, और उसका चेंज कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे अगर पैसिव वॉइस है, पहला यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, टू चेंज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव से एक्टिव में अगर आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? फाइंड द एजेंट इन बाय द फ्रेज. बाय द अगर लिखा हुआ है, बाय द किसी का भी नाम है, कोई भी सब्जेक्ट है वहां पे, ठीक है? तो बाय द का ये जो आपका सॉरी सेंटेंस होता है वो क्या होता है? हमेशा पैसिव होता है, ओके? और उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लाना होगा, ठीक है? जनरली पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे एंड में होता है, ओके? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बाय द फ्रेज में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, एजेंट इज द हु वर्क्स, ओके? सब्जेक्ट. कंसिडर केयरफुली हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन एक्सप्रेस इन द वर्क. मेक दैट एजेंट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो मैंने बोला आपको उसी को सब्जेक्ट बनाना है. एंड चेंज द वर्ब अकॉर्डिंगली. अभी जो वर्ब चेंज होता है, आप सबको पता है कि हम लोग पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं हर एक गिवन वर्ब का चेंज करते वक्त, ओके? और अगर पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? बेस्ट फॉर्म लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइप. आपको टेंस भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. और ये जो एक्टिव वॉइस का है वो क्या है? वाइस वर्सा. मतलब सिंपल, आपको पहले सब्जेक्ट रहेगा और उसने जो एक्शन किया है वो आगे लिखा हुआ होगा, तो उस सिंपल सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको बाय द का सेंटेंस बनाना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस से ही डायरेक्टली जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, बिकॉज आप सबका ये हो चुका होता है. वन मोर टाइम प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल क्लियरली. आई हैव टू चेक दिस बिकॉज द नेटवर्क इज वेरिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लेट्स कंटिन्यू. द 12th क्वेश्चन इज, अभी हम लोग चेंज द वॉइस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे. पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर, ठीक है? सिंपल सेंटेंस है, पोस्टमैन इज द सब्जेक्ट और आपका जो सेंटेंस है दैट इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर. अभी उसको आपको चेंज द वॉइस करना है. ये एक्टिव है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है. तो बाय का जो भी सेंटेंस में फॉर्मेशन है तो बाय वहां पे होना चाहिए, ठीक है? तो अभी देखिए तीन ऑप्शन में बाय है, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द दीज है. तो इसमें से कौन सा पॉसिबल है बताइए मुझे. यस, ठीक है, द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द लेटर वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है? तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट शुरुआत में लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द जो आपका टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लिया. जैसे मैंने बोला था गिवन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं तो डिलीवर का पास्ट पार्टिसिपल डिलीवर्ड ही आएगा. उसके बाद में हम लोग बाय का अरेंजमेंट करते हैं और लास्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट, ओके? तो दिस इज द करेक्ट आंसर. आपको ये पता चला तो अभी सेकेंड में इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. चलिए नंबर 13 का बताइए मुझे चेंज द वॉइस क्या होगा. ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट.
What will be the correct option? A, B, C or none of these? Yes, yes, you all are correct. Option A जो है आपका, the work will be finished in a fortnight by him. Okay, जो he है इसका क्या होगा यहाँ पे? Him. और जो सिंपल फ्यूचर में है will, तो उसके साथ यहाँ पे will be लिखा जाता है and the past participle of the given verb. Fine, very good. The 14th देखते हैं. The cheese was eaten by Sharad. Now this is passive sentence. Okay? तो passive को आपको क्या करना है? Active में convert करना है. मतलब Sharad, ये जो आपका subject है, वो कहाँ पे आएगा? शुरुआत में आएगा sentence के. तो बनाइए, उसका क्या आएगा? बताइए मुझे. The cheese was eaten by Sharad. So what will be the correct answer? उसका change the voice करने के बाद active voice में क्या आएगा? अभी बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं आपके. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी, शरद एट द चीज. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, देखिए यहाँ पे वॉज रिटन लिखा हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस जो था उसका ये कन्वर्जन हुआ था. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे, शरद एट द चीज. ओके फाइन, आया सबको समझ में? चलिए आगे चलते हैं. अभी क्लॉजेस के ऊपर भी आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर एमसीक्यूज में है तो, आपको जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा. ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, एकदम शॉर्ट में देखेंगे. भले मैंने बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल, बट व्हाट आर क्लॉजेस वो मैं बता देती हूँ. क्लॉजेस क्या है? इट इज बेसिकली अ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है और बाकी का प्रेडिकेट रहता है. अभी क्लॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक रहता है मेन क्लॉज और दूसरा रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज इज द एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, भले एक सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो लेकिन वो सेल्फ सस्टेन, मतलब एक कंप्लीट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है और उसको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है. जैसे यहाँ पे लिखा है आई एट मैंगोज, तो यहाँ पे फुल आपका कंप्लीट सेंटेंस आ गया. ठीक है, इफ यू गो फॉर द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट मतलब क्या? उसमें जो भी सेंटेंस बना हुआ है वो आपके मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है. अगर वो आधा सेंटेंस आपने पढ़ा तो उसका वो मीनिंगलेस होता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता. जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मेन क्लॉज को अंडरलाइन किया है. ठीक है, आई एट मैंगोज, ऊपर वाला ही सेंटेंस नीचे लिखा है मैंने. ओके, तो आई एट मैंगोज, ये हुआ आपका मेन क्लॉज. अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है देखिए इसका, विच आई ब्रॉट फ्रॉम द फार्म. अभी अगर मैंने इतना ही पढ़ा, आई ब्रॉट फ्रॉम द फार्म, तो क्या लाया, कैसे लाया, उसमें कुछ मीनिंग नहीं है. ठीक है, वो मीनिंगलेस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो हो गया आपका मीनिंगलेस सेंटेंस. मतलब इस सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है, इसीलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. और जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो ऐसे ही जोड़े जाते हैं, ऐसे वर्ड्स है. जैसे वीच है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखे है मैंने, दैट है, वीच है, हुम, हु, whichever, because, before, after, unless, rather than, whether, ये सब वर्ड्स है या कंजंक्शन है बेसिकली जो आपके मेन क्लॉज के साथ सबॉर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं. ओके, और सबॉर्डिनेट क्लॉज के ही एक्चुअल टाइप्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. तीन टाइप्स है आपके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. व्हाट इज नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज क्या होता है? जनरली इसमें दैट, इफ, वेदर ऐसी चीजें आती है, ऐसे कंजंक्शंस आते हैं और वो क्या आपको बताता है? द नाउन क्लॉज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. आप अगर मेन क्लॉज में उस वर्ब को कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो व्हाट जो है उसका आंसर मिलता है हमें नाउन क्लॉज में. अगर एडजेक्टिव क्लॉज में जाएंगे तो यहाँ पे विच या व्हाट काइंड ऑफ
इसका आंसर मिलता है हमें एडजेक्टिव क्लॉज में। और एडवर्ब क्लॉज जो है वो क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एंड जनरली इट बिगिंस विद आफ्टर, अल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, देन, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, एक्सेट्रा। ओके, तो जस्ट यू ऑल नो दीज थिंग्स, जस्ट आपको थोड़ा रिमाइंडर के जैसा लिया हम लोगों ने क्या क्या होता है इसमें। ओके, नाउ डायरेक्टली वी विल गो टू द क्वेश्चंस। सिंपल है, आपको सिर्फ देखिए लिखा है आइडेंटिफाई द क्लॉज। आपका क्वेश्चन है, मीरा बॉट सम फ्लावर्स विच शी वॉन्टेड टू गिव हर मदर। चलिए फटाफट लिखिए, व्हाट विल बी द ऑप्शन, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और नन ऑफ द अबव, क्या आएगा? आई विल स्विच टू मैसेजेस अगेन। यस, फास्ट। आपका जो ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मीरा बॉट सम फ्लावर्स विच शी वॉन्टेड टू गिव हर मदर। ओके, तो एडजेक्टिव क्लॉज इज द करेक्ट आंसर ए, इट इज नॉट नाउन क्लॉज, इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, देन 16 नंबर देखिए, आई डोंट नो द रीजन वाई शी हेट्स मी। यहाँ पे रीजन, क्या रीजन है पता नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द क्लॉज? सी, इट इज बिट कंफ्यूजिंग, आई अंडरस्टैंड इट, बट आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा क्लॉजेस के बारे में ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन है इसमें, ये नाउन क्लॉज है। ओके, 17 नंबर देखते हैं, ही ड्रोव फास्ट सो दैट ही माइट रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। अभी सो दैट आया तो क्या आएगा? सो दैट के पहले एक और चीज है यहाँ पे, ड्रोव फास्ट, तो वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज, करेक्ट, दिस इज एडवर्ब क्लॉज, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडवर्ब क्लॉज। अभी ये भी बहुत इजी है, आप सबको पता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, दो सेंटेंसेस जो है हमें जोड़ने होते हैं और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं हम लोग, वहां पे जो फुल स्टॉप होता है वो निकाल के दो सेंटेंस में कॉमा डाल दिया जाता है। ठीक है, और पहले सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज किया है उसको नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग नहीं यूज करते, राइट, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस किया जाता है। तो देखते हैं क्या है, ही कैन मेक पीपल लाफ, ही कैन मेक पीपल क्राई, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर आपको जोड़ना है तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए है, ठीक से पढ़िए, ओके, ऑप्शन ए है, He can not only make people laugh but also make them cry. B है, he could not only make people laugh but also make them cry. और C है, both A and B correct और D and none of these. बताइए what will be the correct answer? Only Samruddhi knows the answer. देखिए बहुत simple है, आपको इसको change नहीं करना है, आपका जो भी helping verb है वो वैसे ही का वैसा रहेगा। Okay? तो हेल्पिंग वर्क के बाद हम लोग डाल देते हैं नॉट ओनली, फिर सेम सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे, बाद में ये जो फुल स्टॉप है उसको निकाल के हम लोग कॉमा लिखेंगे, बट ऑल्सो लिखेंगे उसके आगे, और ये रिपीट हुआ है ही कैन तो उसको रिमूव करके मेक, और पीपल भी रिपीट हुआ है इसलिए पीपल की जगह पे हम लोगों ने एक प्रोनाउन ले लिया उससे रिलेटेड, दैट इज दे। तो अभी समझ में आया सबको? यस, सभी ने अभी ए लिखा, तो योर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 है, दे नीड फूड, दे नीड मेडिसिन, चलो यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन?
यस वैष्णवी, वेरी गुड, समृद्धि, फाइन, गुड। बी, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही इसका भी सेम आएगा, दे नीड नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो मेडिसिन। अभी यहाँ पे देखिए, आपको स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आपको स्पेलिंग एरर भी स्पॉट करने के लिए बोला जाएगा। ओके, तो अभी नंबर 20 जो है उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, क्या वर्ड है, कमिटी। चलिए, यस, नॉट बी बट द ऑप्शन सी इज करेक्ट, COMMITTEE। ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, गुड। जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है वो ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। अभी आगे का एक और ऑप्शन, एक और टॉपिक है आपका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये भी आप लोगों ने बहुत सालों तक पढ़ा है, ऑलमोस्ट 6-7 स्टैंडर्ड से तो पढ़ा ही है कि रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच, और किसी दूसरे ने क्या बोला वो हम लोग किसी तीसरे को बता रहे हैं तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, डायरेक्ट स्पीच इज नोन एज रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन, एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज नोन एज रिपोर्टिंग द वर्ड्स, मतलब किसी और का, किसी और को बताना है कि उसने क्या बोला था, तो वहां पे ऑब्वियसली वर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये जो है आपका सेड, वो अगर पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट सेंटेंस इज चेंज इन इट्स पास्ट टेंस, तो डायरेक्ट सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पहला सेंटेंस, सैम सेड ही इज यंग, यहाँ पे सेड है इसीलिए ये दैट से जोड़ा जाता है। ओके, और ये जो आपका ही इज यंग, ये प्रेजेंट टेंस है, उसका यहाँ पे पास्ट टेंस होगा, ही वॉज यंग। ओके, सेकेंड रूल है, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब से वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, और ये फ्यूचर टेंस है, तो उसको चेंज नहीं किया जाता, उसका जो क्या है अनचेंज। ओके, उसका टेंस बदला नहीं जाता। वीना सेज आई एम प्रिटी, तो सिर्फ वीना ने क्या बोला, वीना सेज दैट शी इज प्रिटी, क्योंकि थर्ड पर्सन बोल रहा है। ठीक है, तो ये चेंज होगा लेकिन उसका टेंस नहीं चेंज हो रहा है। एम, आई के साथ एम आता है तो शी के साथ इज आता है। यहाँ पे जैसे रोशन वील से आई एम टॉल, तो रोशन विल से दैट ही इज टॉल, आई एम का क्या हुआ, ही इज हुआ, बट देखिए उसका टेंस चेंज नहीं हुआ। ओके, और यहाँ पे लास्ट रूल है, इफ द डायरेक्ट सेंटेंस कंटेन्स द यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। ओके, अच्छा, मुझे एक यहाँ पे मैसेज आया है, वॉइस इज नॉट क्लियर एंड पिक्चर इज नॉट विजिबल, इज इट सो, लिखिए सब लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है और पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन, यस और नो? यस, सो मेनका मैडम, इट इज नॉट प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, या इट इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, सो प्लीज चेक योर नेटवर्क। थैंक यू सो मच किड्स, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है इट रिमेन्स अनचेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब उसका यहाँ पे देखिए, दे सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा सन जो है वो ईस्ट में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको चेंज नहीं किया जाता। दे सेड दैट, सिर्फ दैट से जोड़ा गया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेम सेंटेंस रिपीट होता है। ओके, तो अगेन दिस इज ब्रशिंग अप द नॉलेज जो आपको ऑलरेडी पता है, तो लेट्स गो फॉर द सेंटेंसेस, क्वेश्चंस में चलते हैं।
लेट अस वेट फॉर योर टीचर. ओके, तो यहाँ पे मैंने टोटली सेंटेंस ही बदल दिया. ऑप्शन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच क्या आएगा? ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर देयर टीचर. ही रिक्वेस्टेड दैट दे वुड, ये भी देखना है, शुड वुड वेट फॉर देयर टीचर. ही प्रपोज दैट दे शैल वेट फॉर देयर टीचर. ही प्रपोज दैट दे कैन वेट फॉर देयर टीचर. क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? यू कैन टेक द टाइम बिकॉज यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है. ओके, सो नोबडी इज आंसरिंग. देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब क्या, वी शैल का जो सेकेंड फॉर्म होता है दैट इज लेटेस्ट. ओके, तो शैल का क्या आएगा? शुड. ओके, सो ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर देयर टीचर. अस का यहाँ पे दे हो गया, अस मतलब वी, जैसे मैंने बोला तो वी का दे हो गया, यूर का देयर हो गया. ओके, व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? A is the correct option. Then let's go for next. 22 number. He said, I am leaving for Germany. इसका भी indirect speech बनाना है आपको. क्या आएगा? देखिए ये said लिखा हुआ है, तो अभी देखिए क्या convert करना है आपको. Anuvay is correct. That is D. He said that, अगर ये मैंने जैसे बोला था आपको रूल में, अगर ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है तो आपका ये जो गिवन वर्ड सॉरी गिवन सेंटेंस है उसका टेंस चेंज हो जाएगा. तो आई एम लिविंग फॉर जर्मनी का होगा वॉज लिविंग फॉर जर्मनी, आई का हो गया ही, है ना? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो फर्दर. शी सेड टू मी स्टार्ट. शी सेड टू मी स्टार्ट. अभी ये क्या है? ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस. याद है आपको पिछली क्लास में लिया था, ऑर्डर है, कमांड है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे होता है नहीं, एडवाइज नहीं. उसने बोला, शी आस्क मी टू स्टार्ट. अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो जनरल ये सिंपल है. अगर प्लीज वगैरह होता तो आप रिक्वेस्ट लिख सकते थे या एडवाइज लिख सकते थे. यहाँ पे उसने बताया शुरू करो, मतलब शी आस्क्ड. ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, फिर से स्पेलिंग वाला आया है. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. सर्वेंट का स्पेलिंग दिया है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग लिखिए. वेरी गुड, सी एस ई आर वी ए एन टी इज द करेक्ट स्पेलिंग. अभी 25th देखिए, आपको करेक्ट सेंटेंस करना है. जैसे हमने करेक्ट स्पेलिंग देखा, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं मैंने, उसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है. नन ऑफ दे मीनिंग एक ही है सेंटेंस का, सिर्फ लिखते वक्त अलग अलग लिखा है, तो कौन सा सेंटेंस उस मीनिंग में फिट होता है वो आपको देखना है. नन ऑफ दे इज मच ऑफ यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज ए बी है. नन ऑफ देम इज मच यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, सी है. नन ऑफ देम इज ऑफ वेरी यूज, देखिए चेंज होते जा रहे हैं, इन प्रैक्टिकल लाइफ. एंड डी है, नन ऑफ देम आर ऑफ मच यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ. व्हाट यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे भी कंफ्यूजन है आपको. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ देम. नन मतलब कोई नहीं, तो उसके लिए आएगा इज.
ठीक है, वेरी नहीं बोलते हम लोग, मच यूज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये दे लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी दे, तो बी ऑप्शन है जिसमें सभी वर्ड्स करेक्टली यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे देम है, और यहाँ पे मच भी है। ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जनरली वहां पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने हैं, और जो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है उनको थोड़ा सब पेपर होने के बाद इनके ऊपर आपको ध्यान देना है टाइम रहते हुए। ओके, और एक यहाँ पे देखिए, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, वी सॉ अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे, वी शो अ वंडरफुल सॉ यस्टरडे, वी शो अ वंडरफुल सॉ टूडे, वी सॉ अ वंडरफुल शो यस्टरडे, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ध्यान से पढ़िए। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, वी सॉ अ वंडरफुल शो यस्टरडे। नाउ यू आर इन लाइन अगेन। ओके, नेक्स्ट है आपका, ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग डैश ही वॉन्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन। क्या करना है? करेक्ट कंजंक्शन यूज करना है। क्या आएगा? सो, बट, बिकॉज और देयरफॉर, तीन ऑप्शन है आपके पास। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग डैश ही वॉन्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन। यस वैष्णवी, करेक्ट, बिकॉज। ओके, ऑप्शन सी, बिकॉज, बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन। करेक्ट, वेरी गुड एवरीबडी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका नो सुनर दैन, ये भी आपको पता है, तो यहाँ पे सिर्फ दो लाइन ही लिखी हुई है उसके बारे में, नो सुनर दैन के बारे में। उसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में जाते हैं। As soon as the Nazis invaded the Netherlands, the Franks were trapped. क्या करते हैं हम लोग नो सुनर दैन में? When no sooner than goes at the beginning of the sentence, we use the inverted word order. Okay? That means auxiliary verb goes before the subject. तो जैसे यहाँ पे the Nazis is the subject, तो उसका auxiliary वर्ब जो है इसमें आएगा, आपको फाइंड करना है। किसे फाइंड करोगे आप? मेन वर्ब से। ओके, तो पढ़िए तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शंस। नंबर 28 फटाफट, बहुत इजी है। इन्वेडेड क्या है? इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे यही देखना है आपको, बाकी सब सेम है सेंटेंस फॉर्मेशन, लेकिन सी में देखिए आपका जो ऑक्सिलरी यूज किया है वो क्या है? डिड है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होता, इसीलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 29th, when the bell rings, the student rush out to of the class, यहाँ पे भी आपको यही फाइंड आउट करना है, ये ट्रिक है आपका। ठीक है, रिंग्स, रिंग्स इज अ, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या आएगा इसमें से देखिए, ट्वेंटी नाइन का आंसर क्या आएगा? नो सुनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट रश आउट ऑफ द क्लास, नो सुनर डज द बेल रिंग, नो सुनर द बेल रिंग, या नन ऑफ द अबव? यही तो गड़बड़ कर दी आप सबने। मैंने अभी तो ये बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या आएगा? डज, नो सुनर डज द बेल रिंग। ठीक है, यही यही ध्यान में रखना है आपको, हर समय नो सुनर डिड का ये सेंटेंसेस नहीं होते हैं। समटाइम्स द आपका जो टेंस है वो बदल जाता है, तो टेंस के हिसाब से ही चलना है। ओके, तो आप सबने जो ए आंसर लिखा है दैट इज इनकरेक्ट, आपका बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, अभी यहाँ पे कंजंक्शन यूज करना है आपको,
I am good at English dash I am not going to help him because but or so kya aayega 30 number I am good at English dash yes it is but I am not going to help him option B is correct अभी यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा देखेंगे क्वेश्चंस व्हाट आर द बेस्ट वर्ड एंड द सफिक्स फॉर वर्ड रिमार्केबल रिमार्केबल आपको एक वर्ड दिया है उसमें बेस्ट वर्ड कौन सा है और सफिक्स मतलब जो पीछे आता है आपके वर्ड के और प्रीफिक्स मीन्स वर्ड के शुरुआत में आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं तो अभी आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए बेस्ट वर्ड और सफिक्स के लिए Yes, that is option C. Remark और उसके साथ able जोड़ दिया तो remarkable हुआ. Yes, correct. Very good. What is the prefix in disassociate? Disassociate में prefix क्या है? Good. It is dis. Very good. Very good. अभी 33 नंबर है the prefix co that is co means together co means together so when you cooperate you work separately you argue you work with someone else or you operate something what will be the correct answer a b c or d number 33 chaliye फटाफट co means what टुगेदर लिखा हुआ है तो कोऑपरेटिंग का कोऑपरेट का मीनिंग क्या हुआ इन चार में से फास्ट कम ऑन नो बी आर्ग्यू मतलब क्या झगड़ा करना तो बी नहीं आएगा आपको एक साथ काम करना है तो सी जो है वर्क विथ समवन एल्स इज द करेक्ट आंसर सो आर्या वैष्णवी मेनका मैडम वर्षा मैडम देन धीरज संजना यू ऑल आर करेक्ट वेरी गुड अभी यहाँ पे है अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको ये भी टॉपिक था आपके सीईटी के सिलेबस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़े हुए हो ठीक है तो फटाफट इन सबको ऐड अल्फाबेटिकली अरेंज कर दीजिए पहला वर्ड है कार्ट दूसरा केन तीसरा के और चौथा वर्ड है कैब इनको कैसे अरेंज करते हैं हम लोग सभी सी से है तो हम लोग सेकेंड लेटर को चेक करेंगे तो सभी में सेकेंड लेटर ए है तो हम लोग थर्ड लेटर को चेक करेंगे और उसके हिसाब से सबको अरेंज करेंगे दिस यू कैन डू ऑन योर नोटबुक ओके चलिए फटाफट बताइए व्हाट विल द करेक्ट इसमें से अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट कौन सा रहेगा Yes, yes, very good. D B A C. पहले आएगा cab, ठीक है? C A B आया है. B के बाद आपका आएगा N. तो ये second में आएगा. फिर R आएगा और end में आएगा V. तो आपका जो भी sequencing है, वो इस तरीके से होगा. That is D B A C. So D B A C is the first option. ठीक है वैसे ही आपको 35 नंबर दिया हुआ है Arrange the words in alphabetical order. Mock, most, mop and more. यहाँ पे भी same thing है First letter same, second letter same. तो आपको third letter से check करना है बताइए फटाफट क्या आएगा Number 35. चलिए Yes, Vaishnavi, Anushka, very good. यहाँ पे आएगा A C sorry जो B option है A C D B is the correct option. Mock, mop, more and most. Next है यहाँ पे आपको correct verb form use करना है तो it is almost It is related to your आपको जो tenses लिए थे हम लोगों ने पिछले क्लास में
तो ये उसी का एक अलग फॉर्मेट है. शी डैश फॉर डेली दिस इवनिंग. वॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? वर्क फॉर्म क्या आएगा? इज लिविंग, वॉज लिविंग, हैव बीन लिविंग, हैड लेफ्ट, क्या आएगा? यस वैष्णवी, यू आर करेक्ट. शी इज लिविंग आएगा. यस, शी इज लिविंग फॉर डेली दिस इवनिंग. वेरी गुड. आप सबने एक ऑप्शन लिखा है, सबका ऑप्शन ए करेक्ट है. 37 नंबर देखते हैं. हीट डैश बॉडीज. हीट डैश बॉडीज, करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करना है. एक्सपांडेड, वुड एक्सपांड, एक्सपांड्स और इज एक्सपांडिंग. अच्छे से पढ़िए, ध्यान में रखिए क्या है वो. हीट डैश बॉडीज यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से टेंस में रहता है? यस, इट इज ऑलवेज इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये जो आपका एक्सपांड्स ऑप्शन सी जो है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. 38 है आपका. डिड यू डैश हिम? यहाँ पे भी आपको करेक्ट वर्ब यूज करना है. डिड यू, सीन आएगा, सी आएगा, सॉ आएगा या वेयर सीइंग आएगा? यस, ऑप्शन बी सी. डिड यू सी हिम, क्योंकि डिड तो ऑलरेडी यूज किया है यहाँ पे, तो उसके साथ रेगुलर वर्ब आएगा. वेरी गुड, ऑप्शन बी सी. देन नंबर 39, दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. आई स्पीक फ्रेंच, मेक इट निगेटिव. आपको निगेटिव करना है इसको. आई स्पीक फ्रेंच, ध्यान में रखना है यहाँ पे भी टेंस आइडेंटिफाई करना है पहले. ये क्या है? ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका कन्वर्जन क्या आएगा? निगेटिव सेंटेंस क्या आएगा? बी. वेरी गुड. आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच. ओके, वेरी गुड. देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन इज, माई मदर बेक्स अ केक, मेक इट निगेटिव. करिए, चलिए अच्छे से पढ़िए. इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है. वेरी गुड, वेरी गुड. अनवय, आर्या, यश, मेनुका, वर्षा, अनुष्का, वैष्णवी, धीरज, सब लोग लास्ट क्वेश्चन में सबके आंसर करेक्ट आए. संजना, वेरी गुड. तो माय मदर डज नॉट बेक अ केक इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे बेक्स लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो यहाँ पे भी आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा. उसका जो ऑक्सिलरी है वो डज आएगा, और उसके बाद या हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं उसके बाद हम लोग नॉट लिखते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर काइंड लिसनिंग. आपने अच्छे से आंसर्स भी दिए. तो इट वॉज पिछला लेसन, पिछला जो क्लास था वो मेरा फर्स्ट क्लास था आपका इंग्लिश का, और ये लास्ट. वी हैड ओनली टू क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर इन योर सीईटी पोर्शन, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ. बट डोंट वरी, जैसे सर ने आपको कल भी बताया, कल के लेक्चर में, कि आपने जो भी पढ़ा है वो बेस्ट नहीं होने वाला है, वो आपको यूज ही होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल स्टॉप. See you in the next class. Okay. So now you all can leave the class. आज का 9 o'clock का class नहीं होने वाला है आपका. So next.